तो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक वुडन बोर्ड आपको दिख रहा है, एक पैन दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम इसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितने वेट पे ये वुडन ब्लॉक क्या होता है, इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन होके नीचे के साइड मूव होता है। तो जैसे ये नीचे के साइड मूव होगा, आपको उस टाइम जितना भी वेट रहेगा यहाँ और यहाँ का, उसको हम लिखेंगे, इसका एक अच्छा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ये वेइंग मशीन है और हमें क्या करना है, इस पैन और इस वुडन ब्लॉक का क्या करना है, मेजर आउट करना है। सो हम इसको मेजर कर लेते हैं पहले कितना, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन में यही है कि हमें इस ब्लॉक का मास और इस पैन का क्या करना है, मास हमें डिटरमाइन करना है। आप इसको ये कुछ वैल्यू दिखा रही है, आप इसको टेयर कर दीजिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है, पहले उस ब्लॉक का आपको मास मेजर करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मास बेसिकली कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 63.34, कितना दिखा रहा है, 63.34। अब दूसरा इस पेन का देख लेते, पैन का कितना मास है, तो इस पैन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसका जो वेट है वो आपको दिख 23.0 है। तो ये दोनों का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट काउंट कर लें ताकि ऑब्जर्वेशन में आप लिख सके। तो मैंने इसका वेट काउंट कर लिया, आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना है इसको। तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बॉक्स होता है, ये आपको दिया जाता है कॉलेजेस में, इसमें सब वेट दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये 1 ग्राम का वेट है, ठीक है, ऐसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, और ये आप देख रहे हैं 9 ग्राम का है। आप इस डिब्बे में मिलीग्राम में भी आपको वेट दिया हुआ है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, आप उससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ कि ये इसी 1 ग्राम 2 ग्राम से इसका वेट फाइंड आउट करने वाला हूँ। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। ये ब्लॉक है, ये नीचे पैन रहता है, इस पुली के ऊपर से हमें इसको लगाना रहता है, बिल्कुल एज इट इज़। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, और आपको इसको ऐसे फिक्स करना होता है कि ये देख रहे हैं ये जरा भी फ्रिक्शन में नहीं है, मतलब जरा भी मोशन में क्या नहीं, ये मोशन में नहीं होना चाहिए, अदर ये आपका रॉन्ग हो सकता है। अगर आपका ये मोशन में हो रहा है तो आप यहाँ पे एक स्क्रू रहता है उसको थोड़ा टाइट वगैरह करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप जैसे भी इसको लगाएंगे यहाँ पे कोई वेट नहीं है और नीचे पैन में भी कोई वेट नहीं, तो ये दोनों मोशन में नहीं होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे, इस ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि मास ऑन द ब्लॉक W1, तो यहाँ पे कौन सा मास आएगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। टोटल वेट, टोटल वेट मतलब W0 + W1 लिखा हुआ है, तो W0 आपका क्या है, जो आपने यहाँ पे ब्लॉक का जो वेट था कितना आया था हमारा, 63 आया था, ये मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको ऐड करना रहेगा। उसके बाद मास इन द पैन, तीसरा कॉलम, ये पैन मतलब पैन हमारा नीचे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं दिखाऊंगा, तो पैन में जो भी वेट आएगा आपको वहाँ पे लिखना है, पैन में ऐड करके उसके बाजू में लिखना, और ये सब हम देखेंगे। सो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सारी रीडिंग एक जगह लिख लूंगा फिर आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 1 ग्राम उठाता हूँ। पहले आपको बहुत ही लोअर वेट उठाना रहता है, बहुत ही जितना लोअर है, तो ये मेरे पास 1 ग्राम, मैं पहले 0 पे देखूंगा, मतलब यहाँ पे ब्लॉक पे कोई वेट नहीं रखूंगा और यहाँ पे कुछ वेट रख के देखता हूँ, पे मैं कुछ नहीं रखूंगा, खाली पैन में वेट रख के देखता हूँ कि इसका फ्रिक्शन कितना आता है। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 2 ग्राम है मेरे पास, तो 2 ग्राम यहाँ पे रख के देखता हूँ कि क्या इसमें मोमेंट आता है, तो फिलहाल इसमें मोमेंट नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं 2 ग्राम और रखूंगा, ये मेरे पास 5 ग्राम का है, तो 5, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन होना स्टार्ट हुआ है। सो ये जो टोटल आ रहा है यहाँ पे 5 और 1, ये 6 ग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 ग्राम, ठीक है। सो मतलब जब मैं यहाँ पे 0 रखा तो रीडिंग कितनी आ रही थी, 6 ग्राम, तो मैं लिख लेता हूँ, जब मैं 0 रख रहा था तो हमारा 6 ग्राम पे वो क्या हो रहा था, फ्रिक्शन यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, अगला मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे पहले 1 ग्राम रखता हूँ कि और ये कितने पे मूव होता है, तो मैं यहाँ पे 1 ग्राम रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1 ग्राम रख दिया, और इसका फ्रिक्शन देखूँगा कितने पे स्टार्ट होता है। सो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले 2 ग्राम रखता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं रखूँगा यहाँ पे 2 ग्राम और रखूँगा, नहीं 2 और ये 5 रखता हूँ, तो 5, 6, 7 हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और रखता हूँ, ये 8, 9, और एक काम करता हूँ मैं 10 का डायरेक्ट रख के देखता हूँ कि कुछ होता है क्या यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका ये 10 डायरेक्ट डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 10 ग्राम पे बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन हमें देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे 1 ग्राम और इसकी रीडिंग कितनी है, 10 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ग्राम इसको लग रहा है, उसको कितना लग रहा है, 10 ग्राम। चलो अगला करेंगे अब हम लोग, अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 2 ग्राम रखूँगा, कितना रखूँगा यहाँ पे, 2 ग्राम, ये मेरे पास 2 ग्राम का है, मैं यहाँ पे 2 ग्राम रखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मुझे कितना लगेगा। सो फिलहाल एज लोअर से आपको स्टार्ट करना है, तो पहले मैं यहाँ पे अगेन 2 ग्राम रखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है।
आपको लो से लो रखते जाना, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 ग्राम रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 ग्राम और रखता हूँ, ठीक है। 5 ग्राम मैं और रखता हूँ यहाँ पे, और देखता हूँ ये 2 ग्राम निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 5 ग्राम रखता हूँ, ये टोटल 15 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इससे भी नहीं हो रहा है, 16-17 से भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए 2 ग्राम और इसके लिए कितना लग रहा है, 15-16-17, मतलब यहाँ पे 2 ग्राम लग रहा है और यहाँ पे कितना लग रहा है, 17 ग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखूँगा 3 ग्राम, कितना ग्राम रखूँगा यहाँ पे, 3 ग्राम रखूँगा, और देखूँगा कि ये कितने पे हो रहा है। ये हो गया मेरा 2 ग्राम, और ये रहा मेरे फ्रेंड्स मेरे पास 1 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 ग्राम रखता हूँ, और इसका मोमेंट देखता हूँ कितने पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले 5 ग्राम रखता हूँ, अब रखूँगा 10 ग्राम, रखा और यहाँ पे टोटल मैं 20 ग्राम रखूँगा, और देखता हूँ यहाँ पे मोशन होता है क्या, फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ये हुआ है। सो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 ग्राम के लिए कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं ऊपर 4 ग्राम रखूँगा, ठीक है। ऊपर मैं कितना रखूँगा, 4 ग्राम रखूँगा, और नीचे पहले मैं रखता हूँ 1 ग्राम, 2 ग्राम, मतलब ये 3 हो गया, 3 के बाद ये 20 रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा आ गया 4 ग्राम, और ये कितना आ रहा है मेरा, 25 ग्राम, ठीक है, बस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मास ऑन द ब्लॉक मतलब W1 लिखा है, तो आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में 0 मास लिया था, मतलब ब्लॉक के ऊपर कोई वेट नहीं लिया था, तो वहाँ पे मुझे 6 ग्राम मिल रहे थे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 0 लिया था मैंने, और मुझे यहाँ पे पैन में कितना डालना पड़ रहा था मूवमेंट होने के लिए, 6 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे वापस से मैंने 1 ग्राम लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 ग्राम लिया था, तो यहाँ पे मूवमेंट होने के लिए मुझे 10 ग्राम ऐड करना पड़ा। यहाँ पे मैंने 2 ग्राम लिया था, तो यहाँ पे 17 पैन में ऐड करना पड़ा। यहाँ पे 3 लिया था, तो यहाँ पे 20 ऐड करना पड़ा। और यहाँ पे 4 ग्राम लिया था, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा मुझे, 25 ऐड करना पड़ा। अब टोटल लोड कैसे निकालोगे, W0 प्लस W1। W0 आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने जो पहले मास मेज़र किया था ना ब्लॉक का, 63.34, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 63.34, ये दिख रहा होगा आपको 63 पॉइंट, और पेन का वेट यहाँ पे 23। ये पेन पहले हम ब्लॉक का देख लेते हैं, 63, तो आपको क्या करना है, W0 आपका है 63, ठीक है, 63.34। अब आपको उसमें 0 को ऐड करना है, तो आप W यही है ना आपका, तो इसको 0 का ऐड करो, तो आपको क्विंटल मिल जाएगा 63.34। बाद में इसी में कितना ऐड करना है, क्योंकि W0 प्लस W1 है, तो 1 को ऐड करोगे, तो 1 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 64.34, 2 को ऐड करोगे तो 65.35, 3 को ऐड करोगे तो 66.34, और 4 को ऐड करोगे तो 67.34 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल एफर्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, पी इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो प्लस पी वन। तो पी ज़ीरो आपका कितना है, पी ज़ीरो आपका है ये यहाँ पे आया था आपका पी ज़ीरो, पैन का जो मास है आप ये देख रहे होंगे 23, तो ठीक है। तो 23 में आपको कितना ऐड करना है, पी वन 6 ग्राम, आपको पहले 6 ग्राम ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 29। 10 ग्राम ऐड करोगे तो 23 में कितना मिल जाएगा आपको, 33। ऐसी 70 ऐड करोगे पी ज़ीरो, आपको 20 इसमें ऐड करना है, तो आप 20 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 43। अब आप 25 ऐड करोगे 23 में, तो आपको मिल जाएगा 48, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय पी बाई डब्ल्यू करना है, मतलब ये भी है पी और ये है डब्ल्यू, तो आपको 29 को 63.34 से डिवाइड करना है, 33 को इससे, 34 को इससे, 43 को इससे, मतलब इधर वाले को इससे डिवाइड करना है। तो आप अगर पहले वाले को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.4578, इसका मिल जाएगा 0.5129, इसका मिल जाएगा 0.6121, इसका मिल जाएगा 0.6481, इसका मिल जाएगा 0.7128। अब आपको 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू को ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5887, ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 0.5887 मिल जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है, x एक्सेस और y एक्सेस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करना है, तो ठीक है मैं यहाँ पे एक x एक्सेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, y एक्सेस,
ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको किसके किसके अगेंस्ट लोड, मतलब लोड W के अगेंस्ट एफर्ट P लेना है आपको, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं अब, जो मेरा यहाँ पे लोड है ये है, और एफर्ट P मेरा कितना है ये। तो पहला जो मेरा है ये लेना है 5 का, मैं एक कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं 5 का ही ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि आपका जो एक्स एक्सिस पे है लोड का, ठीक है, वो कितना है 63 पे आपको एफर्ट में कितना लेना है, पी में 29। तो ये मेरा हो गया 61, 2, 3 पे मेरा इस यहाँ पे कितना आएगा 29। तो ये 25 और ये बेसिकली हो जाएगा मेरा 29, ठीक है। दूसरे के लिए मुझे क्या करना है, 64.34 के लिए मुझे कितना लेना है 33, 64 पॉइंट के लिए मुझे कितना लेना है 33। तो ये हो जाएगा मेरा 33, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 33। 65 के लिए कितना हो जाएगा मेरा 40, 65 के लिए मेरा 40 हो जाएगा, ये रहा मेरा 40 यहाँ पे, ठीक है। 66 के लिए हो जाएगा 43, 66 के लिए कितना हो जाएगा 43, ठीक है। और 67 के लिए हो जाएगा 48, 67 के लिए कितना हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कोई भी जो 3 लाइन मिले आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको स्लोप कैसे निकालना है, किसी भी दो पॉइंट को आपको लेना है, जैसे कि मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ और एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ बी सी ए। तो स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी। तो कैसे निकालोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन, यहीं पे कर देता हूँ, आपको तो ग्राफ दिख ही गया रहेगा। तो मेरा एक्स टू फ्रेंड्स, अब आपको लिखना है एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर वाले पॉइंट का लिखना। तो मेरा कितना था 48 माइनस नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट कितना था, नीचे वाला पॉइंट कितना था 29 डिवाइडेड बाय 66.34 माइनस 63.34। ये पॉइंट देख रहे हैं, ये 48 था और नीचे का पॉइंट हमारा कितना है 29। और वैसे ही वाई टू के लिए आप ये पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 66 था और नीचे की वैल्यू हमारी कितनी थी 63 थी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको मिल जाएगा 4.75, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या लिखना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस बाय ग्राफ से कितना है, 4.73 आया है, ठीक है, और 4.75 आया है। और कोएफिशिएंट फ्रैक्शन बाय कैलकुलेशन से मेरा कितना आया था, आप लोगों ने देखा था कैलकुलेशन से मेरा कितना आया, तो यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन से 0.5887। तो 0.5887 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको 5.887 इंटू 10^1 लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5.88 इंटू 10^-1, ठीक है, माइनस वन आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, एक्सपेरिमेंट देख लिया कैसा, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इस चैनल पे 11 12th के सारे प्रैक्टिकल्स अपलोड किया हूँ, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, 12th के तो मैक्सिमम अभी मुझे अपलोड करने। सो आप जाइए और चेकआउट कीजिए।